अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे का पानी, जिसके लिए हमारे पास ये चटनी की पूरी इंग्रेडिएंट तैयार हैं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक जार ले लेते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। आप देखेंगे हमारे पास एक ये मुट्ठी, छोटी सी मुट्ठी भर के हरा धनिया है। तो ये हरा धनिया हम मोटा मोटा सा ही काट के डाल देते हैं। एक ही मुट्ठी है, एक मुट्ठी से थोड़ा सा कम हमारे पास ये पुदीना है। हमने इसके हरे हरे पत्ते निकाल लिए हैं। पुदीने का सीजन ना हो, हरा पुदीना ना मिले, तो खाली हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने ये भुना हुआ जीरा लिया है, हाफ टी स्पून ही हमने बिना भुना जीरा लिया है। 2 टीस्पून हमने काला नमक लिया है, 2 चुटकी हमने हींग पाउडर लिया है, कच्चा ही लिया है हमने हींग पाउडर, और 4 टीस्पून हमने ली है, इसमें ये ब्लैक पेपर 2 गिर गई हैं, हमने 4 टीस्पून ये पिसी हुई खटाई ली है, हाफ टी स्पून सादा नमक है, और 1/4 टीस्पून कह सकते हैं काली मिर्च है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कम तीखी होती हैं ग्रीन चिली हैं, हमारे पास ये 6 हैं। जो तीखी वाली हो तो आप कम डाल सकते हैं। तो ये देखें हमारे ये सब इंग्रेडिएंट चले गए हैं। हम क्या करते हैं, इसको पीसते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा 50 मिलीलीटर पानी। तो आप देखेंगे हमारी चटनी थोड़ी ज्यादा ही है, हम कम से कम 2 लीटर पानी बनाएंगे। 1 लीटर पानी हम तीखा और खट्टा बनाएंगे, और 1 खट्टा मीठा और तीखा बनाएंगे, वो भी इसी चटनी से बनेगा। सिर्फ इसके अंदर हमारी सौंठ जाने वाली है इमली की, जो हम आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे पास इमली है, हमने इसको लेके थोड़े से गर्म पानी में भिगो दिया है। आपके पास वक्त है 3 से 4 घंटे, तो आप सादे पानी में भिगो सकते हैं, लेकिन हमने जल्दी में इसको गर्म पानी में भिगोया है ताकि ये अच्छे से इसका पल्प हमें मिल पाए। तो इसको हम साइड रख देते हैं और पीस के लाते हैं। ये देखें हमारी चटनी पीस के तैयार है, इसकी खुशबू का जवाब नहीं है। ये हमारे पास 1 लीटर पानी है, हम ये चटनी डाल देते हैं। इस चटनी में से आप बचा भी सकते हैं, कई चीजों में काम आ जाएगी। हमने ये हाफ ही ऐड की है, और सबसे बड़ी बात आप इसको चख सकते हैं। नमक मिर्च अपने मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कमी है, सिर्फ एक तो हमारी जो ये इमली का पल्प रखा हुआ है, और इमली का पल्प नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। मार्केट में लेमन सॉल्ट डालते हैं या फिर सिट्रिक एसिड भी डालते हैं इसको खट्टा करने के लिए, तो वो नुकसानदायक होता है, हम वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये देखें हमने इसमें इमली का पल्प डाल दिया है। हमारे पास ये बूंदी है, 1 मुट्ठी हम इसमें डाल देते हैं, 1 मुट्ठी हम अपनी रेड चटनी बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी पुदीने की और हींग की खुशबू आ रही है। आप देखेंगे हमारे पास ये हमारी इमली की चटनी है, जो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप इसका कलर देख सकते हैं, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास फूड कलर है, ये देखें ये अनुजा का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, फूड कलर बोल के ले सकते हैं। हमें आज ये पानी के लिए और अपने गोलगप्पे के लिए, ये देखें 1 चुटकी से भी थोड़ा सा हम कम ही डाल देते हैं, इसको मिला लेते हैं, और अभी देखेंगे इसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये हमारी वही चटनी है जो हमने रमजान में बनाई थी, ये 1 साल तक चलती है बिल्कुल हमारी चटनी। ये देखें कितना सा कलर डाला है हमने, यूं मिला लिया इसे। ये देखें हमारे पास जो चटनी है, हम ये इसमें डाल देते हैं, इस वाले में चटनी थोड़ी सी कम ही डलेगी, और ये जो इमली का पल्प है ये डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून डाल दें, हमने अच्छे से मल के डाल दिया था। और ये जो अब हमारे पास हमारी इमली की चटनी या सौंठ जो कहते हैं वो है, हम ये डाल देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून, जिसमें हमने थोड़ा सा कलर भी ऐड किया है, इसको मिला देते हैं। आप ये देखेंगे हमारा ये खट्टा मीठा पानी बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको आप चख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नमक या मिर्च कम हो तो अपने मुताबिक डाल सकते हैं। हम इसमें ये बूंदी डाल देते हैं। तो ये देखें हमारे दोनों पानी तैयार हो गए हैं, और ये हम रखते हैं अपने गोलगप्पे में डालने के लिए। अब फटाफट बनाते हैं गोलगप्पे। तो ये देखें हमारा खट्टा मीठा तीखा पानी बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो मार्केट से गोलगप्पे लाएं और खाली पानी की वीडियो आपको चाहे तो आप इस तरीके से पानी की वीडियो खाली बना सकते हैं चटनी के साथ, तो जरूर बनाएं। और इसकी अगली वीडियो हम गोलगप्पे की डालने वाले हैं इसी के साथ, वो जरूर देखें। अल्लाह।